दोस्तों स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब कंप्लीट यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ आप किस तरीके से BGMI का जो है अकाउंट को मतलब जीमेल से जीमेल पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब एक जीमेल से दूसरे जीमेल पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक सेम प्रोसेस से आप एक फेसबुक से दूसरे फेसबुक पे भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। तो मैं आपको जो है सिर्फ यहाँ पर जीमेल का दिखाऊंगा, तो आप फेसबुक वगैरह का भी उसी प्रकार से कर लेना, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं किस तरीके से आप लोग करोगे ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा सब कुछ कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा, अनलिंक करके दिखाऊंगा, यहाँ पर अनलिंक होता है 100% यहाँ पर दिखाऊंगा, तो सारा कुछ प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल के अंदर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस तरह की वीडियो जानने के देखने के लिए चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो लाऊँ वो सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक तो इंस्टेंट आता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी स्टेप्स है मतलब जो 5 स्टेप्स है अनलिंक का वो एक्सप्लेन कर दूंगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो जो भी स्टेप्स है सारा हम कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल का स्क्रीन आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपना जो सेटिंग के अंदर जहाँ पर हम लोगों को अकाउंट्स वगैरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे रहा यह सेटिंग, तो यहाँ पर जाते ही हमें यहाँ पर सेटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को 2 अकाउंट मेरा यहाँ पर सोशल नेटवर्क अकाउंट अटैच है, देख सकते हो। एक फेसबुक है, दूसरा जीमेल है, ठीक है। तो मेरा अभी जो है ये फेसबुक से मतलब गेम ओपन हुआ है, तो मुझे जो है जीमेल को यहाँ से हटाना है, ठीक है, अपने जीमेल को यहाँ से हटाना है। तो इसी को किस तरीके से करेंगे, अगर आपको फेसबुक को हटाना है, ठीक है, तो आपको जीमेल से लॉगिन करना होगा। ये जो है सिंपल सा मतलब प्रोसेस है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अनलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी 5 प्रोसेस है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट बताता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहला जो यहाँ पे है देख सकते हो, जो अपना यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म टू अनलिंक, ठीक है। और तो अपना जीमेल यहाँ पर दिखा रहा है, अगर आप फेसबुक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फेसबुक आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जीमेल आ चुका है। तो इसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट रूल, ठीक है। प्लेयर्स हु हैव लिंक देयर अकाउंट टू टू सोशल नेटवर्क अकाउंट कैन अनलिंक वन ऑफ देम, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। अपना जो 2 अकाउंट लिंक है, ठीक है, इसमें से आपको एक को रिमूव करना है, ठीक है। अगर 2 लिंक है तभी जो है आप लोग एक को रिमूव कर सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली। यानी आप मान लो कि आपको जीमेल को अनलिंक करना है तो आपको फेसबुक से लॉगिन करना है, या फिर आपको फेसबुक को यहाँ पर अनलिंक करना है तो आपको जो है जीमेल से लॉगिन करना होगा, अगर आपको फेसबुक को यहाँ पर अनलिंक करना है, ठीक है। तो अल्टरनेट करके आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा अपना जो नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। यू कैन ओनली अनलिंक ए सोशल नेटवर्क अकाउंट दैट इज नॉट करेंटली लॉग इन, इसका मतलब आप जिस भी अकाउंट को लॉग इन करना मतलब अनलिंक करना चाहते हो करेंटली आप उससे लॉग इन ना करो, ठीक है। मान लो आप फेसबुक को यहाँ पर अनलिंक करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो अपना जीमेल है उससे लॉग इन करना है, ठीक है। मतलब फेसबुक से अगर आप लॉग इन करते हो, फेसबुक से अनलिंक करने जाते हो तो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो 3 नंबर प्रोसेस क्या है, योर चैनल यूज फॉर द करेंट लॉग इन मस्ट हैव लिंक्ड फॉर एटलीस्ट 30 डेज, ठीक है। आपको मतलब यहाँ पर 30 डेज तक आपके डिवाइस के अंदर इसे लॉगिन होना चाहिए गेम को, तब जो है आप जो जाके इसे अनलिंक कर सकते हो। उसके बाद 4th नंबर पे देख लेते हैं, यू मस्ट हैव लॉग इन टू द अकाउंट ऑन द सेम डिवाइस इन द सेम रीजन, ठीक है। आपको सेम डिवाइस में सेम रीजन में 15 डेज तक लॉग इन रहना है तभी जो है ये वर्क करेगा, ठीक है। मतलब आप पहले से अगर खेल रहे हो काफ़ी पहले से तो आपका सेम ही डिवाइस पे लॉगिन है, तो आप इस प्रोसेस को जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका जो 4 नंबर रूल है पॉइंट है वो ऐसे है, ठीक है। फिर जो है 5th नंबर का पॉइंट यहाँ पर है, आफ्टर द एप्लीकेशन टू अनलिंक द अकाउंट हैज सेंट इट विल टेक इफेक्ट व्हेन यू लॉग इन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 7 डेज, ठीक है। यानी अगर आप जीमेल को अनलिंक करते हो या फिर फेसबुक को अनलिंक करते हो तो वो जो है 7 दिन के बाद आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा, 7 डेज के बाद, ठीक है। तो वही जो है वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है।
और आपको जो है उन 7 दिनों के अंदर फेसबुक या फिर जीमेल दोनों से किसी से भी आपको यहाँ पर लिंक नहीं करना है, वरना आपका अनलिंक का प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। 7 दिन तक आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप जिस भी अकाउंट को अनलिंक करो वहाँ से आपको लिंक मतलब गेम को ओपन नहीं करना है। अगर आप लोग ओपन कर देते हो तो वहाँ पर जो अनलिंक का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, फिर आप जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इतना करने के बाद आपको एस कर देना है, फिर उसके बाद अप्लाई टू अनलिंक यहाँ पर आएगा, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है अप्लाई टू अनलिंक। तो जैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई टू अनलिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो है यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा और ये अनलिंक के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे अनलिंक के लिए जाता है उसके मतलब 7 दिन के बाद आपका कंप्लीटली अनलिंक हो जाएगा। ये चीज़ जो है दोस्तों पहले वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जो है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर वही सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, ठीक है। अगर आप जीमेल को अनलिंक करते हो तो इससे लॉग इन किया तो कैंसिल हो जाएगा प्रोसेस, सिंपल सा वार्निंग यहाँ पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर 6 डेज दिखा रहा है, यानी मैंने आज ही अनलिंक किया तो आज 1 दिन यहाँ पर काउंट हो चुका है और 6 डेज यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो 6 दिन के बाद जो है ये अनलिंक हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अब जो है 6 दिन के बाद, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा मतलब 6 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर गेम को आपके सामने यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, तो देखते हैं अब जो है हमें किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखते हैं, ठीक है। गेम अपना ओपन हो रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसे फर्स्ट जो अब मैंने फर्स्ट जो वीडियो वीडियो का जो स्टार्टिंग है मैंने इसे 1 वीक पहले शूट किया था। अब जो है मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया हूँ। तो आपको कुछ यहाँ पर लग सकता है क्योंकि सेम टी शर्ट के अंदर कोई बैठ के 7 दिन तक इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा अनलिंक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है गूगल अकाउंट मेरा यहाँ पर अनलिंक हो चुका है। तो मैं सिंपली एस्केप पर क्लिक करता हूँ, फिर कलेक्ट करते हैं जो भी अपना यहाँ पर है, ठीक है। जो न्यू और रॉयल पास अपना आ चुका है ग्लोबल के अंदर, तो उसी के लिए यहाँ पर दिखा रहा है सारा कुछ। तो इसे सिंपली कट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अपना जो अनलिंक का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है नहीं, प्लस बेल आइकन यहाँ पे आया है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा मैं देखता हूँ, तो मैं ऐसे कट करता हूँ इसे। तो अब चलते हैं बिना देरी के सेटिंग के अंदर और वहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो सिंपली हमारा सेटिंग कहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल 7 दिन के बाद ही लॉगिन करना, तभी जो है आप लोगों को ये प्रोसेस दिखाएगा, मतलब गेम वगैरह खेलना ही मत। मैं तो नहीं खेल रहा था तभी जो है मेरा कंप्लीट हुआ। तो सेटिंग के अंदर देखो, देखिए जैसे ही आया तो यहाँ पे देख लीजिए नहीं है, ठीक है, मतलब प्लस वाला आइकन आ चुका है और यहाँ से अनलिंक का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख देख चुके हो, ठीक है। तो आप अगर 7 दिन तक कंटिन्यू यहाँ पर गेम वगैरह नहीं खेलते हो, बिल्कुल वैसे ही छोड़ देते हो, तो अनलिंक करने के बाद वैसे ही छोड़ देते हो, तो आपका जो है 100% यहाँ पर अनलिंक हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया है, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ। तो बाकी आप अगर करना चाहते हो या फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हो इस प्रकार से कर सकते हो। तो जैसे अनलिंक हो जाए फिर वहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और वहाँ पर अपना जीमेल का आईडी के थ्रू, मतलब जो न्यू जीमेल जिसके आपको ट्रांसफ़र करना है, न्यू जीमेल के आईडी थ्रू वहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग वहाँ पर लॉगिन कर लेते हो फिर जो है आपका प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जो है न्यू जीमेल वहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर आप फेसबुक को करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, फेसबुक को भी आप उसी प्रकार से अनलिंक कर देना 7 दिन के बाद, वहीं पर आना, प्लस वाला बटन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना, फिर फेसबुक को वहाँ पर ऐड कर लेना, फिर आपका जो है वहाँ पर फेसबुक भी ऐड हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों यही प्रोसेस था जिसे आप लोग फॉलो करके ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना जीमेल टू जीमेल या फिर फेसबुक टू फेसबुक, मतलब ओल्ड फेसबुक टू न्यू फेसबुक, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने BGMI के अकाउंट को। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है आगे तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। अगर आपका कोई क्वेरीज है या फिर कोई परेशानी आता है इन सारी चीज़ों के बीच में, तो आप मुझे मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वाल्टेक ऑफिशियल, आप उस पर जाके मुझे DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी लाइव रहता हूँ, आप लोगों को हेल्प कर दूंगा, ठीक है, जो भी इशू होगा। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड आवर चैनल।